हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी इंटरव्यू के पहले लेक्चर सीरीज में मैं आचार्य विकास आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज में मैं आपसे साक्षात्कार के स्वरूप एवं इसके मूलभूत ढांचे पर बात करूंगा। साथियों, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात और परीक्षा परिणाम आने के बीच की अवधि परीक्षार्थियों के लिए काफी संशय भरा होता है। यह महत्वपूर्ण अवधि परीक्षार्थी अक्सर मुख्य परीक्षा के परिणाम के इंतजार में बर्बाद कर देते हैं। सोचते हैं, क्या मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कब तक इसका रिजल्ट आएगा, क्या हुआ अगर मेरा नहीं हुआ तो, अगर मैं उत्तीर्ण हो गया तो क्या साक्षात्कार के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा, आदि आदि सवाल उनके मन में चलता रहता है। मित्रों, यह समझते हुए भी कि इन सवालों में छिपकर सिर्फ वक्त बर्बाद करना होगा, हम ऐसा करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बिना मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार किए साक्षात्कार की तैयारी में हम पूरे उत्साह से लग जाएं। सवाल यह है कि साक्षात्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? निश्चित तौर पर हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि प्रीलिम्स और फिर मेंस परीक्षा पास कर हम साक्षात्कार के पड़ाव पे पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह आपके संघर्ष का आखिरी पड़ाव है और इसमें योग्यों में से सबसे योग प्रतिस्पर्धी ही अंततः अपने संघर्ष को सफलता में परिवर्तित करने में सफल होते हैं। मित्र, यह इंटरव्यू ही है जो काफी हद तक ये तय करेगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आ भी रहा है तो क्या आपको अपने मनपसंद आपकी इच्छा का पोस्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कई बार मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किए हुए विद्यार्थी साक्षात्कार में कम अंक पाने के कारण काफी नीचे का पद हासिल कर पाते हैं, और कुछ परीक्षार्थी जो मेंस में उत्तीर्ण भले ही किए हों पर मार्क्स उनके बहुत अच्छे नहीं है, वो इंटरव्यू में काफी अच्छे अंक प्राप्त कर ऊपर का पद पाने में सफल हुए हैं। इसलिए मित्र, आज साथियों, हम आपको संक्षेप में इंटरव्यू बोर्ड के सेटअप के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जनरली किसी भी इंटरव्यू बोर्ड का यही सेटअप होता है, जिसमें एक चेयरमैन और तीन से चार मेंबर होते हैं, यानी कि कुल पैनल में चार से पांच लोग होंगे। बीपीएससी पर अगर हम फोकस करते हैं तो बीपीएससी के सदस्यों में ज्यादातर शिक्षाविद होंगे, विषय विशेषज्ञ होंगे, प्रशासक होंगे, मनोवैज्ञानिक आदि आदि, इन्हीं का मिला हुआ एक पैनल होता है। हर इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो बीपीएससी के एक मेंबर होंगे। इसीलिए अगर चार मेंबर हैं तो संभवतः चार बोर्ड भी इंटरव्यू बोर्ड या जिसको हम पैनल कहते हैं वो उसमें इंटरव्यू में रहेगा। मित्र, सबसे जरूरी बात जो है वो यह है कि साक्षात्कार की तैयारी की शुरुआत कैसे करें। इसके लिए मैंने साक्षात्कार की तैयारी को चरणबद्ध किया है, इसे तीन चरणों में बांटा है। पहला चरण जो है वो व्यक्तित्व वर्धन का है, दूसरा चरण ज्ञान वर्धन और तीसरा चरण छद्म साक्षात्कार का होगा। प्रत्येक चरण को मैंने दो भागों में बांटा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें जैसे पहले स्टेज में मैंने कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज में बांटा है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि हर एक भाग के लिए आगे अलग से लेक्चर सीरीज अपलोड किया जाएगा, जिसमें सभी भाग और उसके घटक पर जैसे बायोडाटा, हॉबीज, बॉडी लैंग्वेज आदि पर विस्तृत रूप से चर्चा किया जाएगा। साथियों, मेरी सलाह है कि प्रथम चरण की शुरुआत आप मुख्य परीक्षा देने के तत्काल बाद से ही शुरू कर दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह वह चरण है जो सिर्फ साक्षात्कार के उद्देश्य से ही नहीं बल्कि आपके सामान्य जीवन में भी आपके व्यक्तित्व को निखारने में अति महत्वपूर्ण है। दक्ष संवाद या बॉडी लैंग्वेज, ये सब आप रातों रात या हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इनकी तैयारी और अभ्यास लगातार होते रहे, और यही वजह है कि साक्षात्कार के इन चरणों में मैंने इसको पहले चरण पे रखा है।
दूसरे चरण में की अगर बात करते हैं तो इसमें पहला भाग जो है वो कन्वेंशनल इश्यूज है। इसमें मुख्यतः आपके शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जैसे आपका वैकल्पिक, आपके स्नातक के विषय क्या रहे हैं उसके बारे में, आपके वैकल्पिक विषय के बारे में, अगर आप कहीं पीएचडी कर रहे हैं तो आपके उस विषय के बारे में, अगर आप कहीं सेवा में हैं तो आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, आपके बायोडाटा से रिलेटेड सवाल, हॉबीज पे रिलेटेड सवाल, इन सब का इस कन्वेंशनल इश्यूज में ध्यान रखा जाएगा। दूसरा भाग मैंने दिया है करंट इश्यूज। इसमें आप समसामयिक घटना, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटना, नवीन कल्याणकारी योजनाएं, आर्थिक गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब पर ज्यादा फोकस करना होगा। ये पहला और दो चरण में जब आप अपने आप को ऐसा लगता है कि पूरा होमवर्क कर चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं, तभी आपको तीसरे स्टेज पे जाना चाहिए। और मेरा सलाह होगा कि जब आपका मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाए तभी उसके बाद जब आप इंटरव्यू यानी मॉक इंटरव्यू देने के लिए कहीं पे ज्वाइन करें। इसके पहले का वक्त आप अपने पर्सनालिटी को और अपने सब्जेक्ट नॉलेज को करेंट इश्यूज पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर आपकी तैयार हो जाएंगी दोनों स्टेज, तो तब जाकर आप तीसरे मॉक इंटरव्यू का जो स्टेज होगा, जो इंटरव्यू का एक रिहर्सल है, वहां पे सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और तभी निश्चित तौर पे पता चल पाएगा कि क्या क्या और निखार, क्या क्या और प्रतिभा, कौन कौन सी और पॉलिश करने की जरूरत है। मेरा यह भी मानना है कि अधिक से अधिक मॉक इंटरव्यू देना बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं होता है। आप मैक्सिमम 4 से 5 मॉक इंटरव्यू दीजिए। 2-3 मॉक इंटरव्यू का जो क्रक्स निकल कर आता है, जो शॉर्टकमिंग्स निकल कर आता है, उसके बाद उसको लेकर आप किसी भी इंटरव्यू एक्सपर्ट से, जो आपके टीचर हों या सीनियर्स हों या जिन्हें भी आपको लगता है कि वो सक्षम है आपको इसमें कार्य में गाइड करने के लिए, उनसे एक पर्सनल सेशन क्लास जरूर लें, जहाँ पे आप उनसे अपने बायोडाटा से रिलेटेड मॉक इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं उसमें आपको क्या क्या परेशानी आ रहा है, कहाँ कहाँ आपको वीक जोन लग रहा है, उस पर आप उनसे डिटेल में चर्चा करें और फिर 1 या 2 मॉक और इंटरव्यू दे दें। साथियों, ये तीनों स्टेज के अलग अलग भागों पे डिटेल में क्या क्या तैयारी करनी है उसको मैं फोकस करूंगा अपने आगामी लेक्चर सीरीज में, क्योंकि आज सिर्फ मैं बेसिक इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा था, उसके स्वरूप के बारे में, ताकि एक ओवरव्यू मिल सके कि इंटरव्यू साक्षात्कार बीपीएससी का क्या होता है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने आज सिर्फ इसी पर फोकस किया गया है। मित्रों, विश्वास मानिए, चरणबद्ध तरीके से तैयारी निश्चित ही सफलता दिलाएगी। अगर साक्षात्कार से संबंधित आपको मन में कोई भी संशय है या कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही मैं आप सबके सामने अगली सीरीज लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।